हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम अपने ये सभी टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन सभी टॉपिक्स की, तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इनका जो बेस है वो हम अपने पिछले वीडियो के अंदर देख के आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें हमारे आज के टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा टॉपिक होगा हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा होगा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम एमआरटी के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ होगा हमारा रीजंस फॉर इंक्रीजिंग एमआरटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा वाई पीपीसी इज कंकेव टू द ओरिजिन। इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात देख के आ चुके हैं कि वाई पीपीसी इज कंकेव टू द ओरिजिन, वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप जाके पिछली क्लास को देख लेना, वहां पर मैंने इसका बेस आपको समझा दिया है। आज हम इन सभी टॉपिक्स को एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। सिक्स पॉइंट हमारा व्हेन पीपीसी इज कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। हमें पता है पीपीसी हमारा कंकेव शेप का होता है, लेकिन पीपीसी कन्वेक्स भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो कब होता है फिर वो, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट होगा हमारा इस वीडियो का शिफ्ट ऑफ पीपीसी, पीपीसी का शिफ्ट होना। अब वो शिफ्ट लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है, राइट वर्ड भी हो सकता है, दोनों तरफ पीपीसी शिफ्ट कर सकता है। तो आखिर कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, वो हम देखेंगे। तो ये सात टॉपिक देखने के बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को हम अच्छे से ध्यान से देखते हैं और एक एक करके आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वीडियो देखने के साथ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अगर बात करें हमारे सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपकी जो कॉस्ट लगती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हमारी जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट होती है हमारी लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी, अदर अपॉर्चुनिटी का लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जॉब करो या फिर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो अगर आप जॉब करते हो तो आप 6 लाख रुपीज एनुअली कमाते हो, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप 8 लाख रुपीज एनुअली कमाते हो। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, अब दो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब आप दोनों में से कौन सी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करोगे? तो सपोज आपने सिलेक्ट करा कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस करने से कितना मिलने वाला है, 8 लाख रुपीज, और जॉब करने से कितना मिलने वाला था, 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख की आपकी इनकम होने वाली थी जो आपने छोड़ दी, उसके बदले में आपने 8 लाख वाली इनकम चुनी और बिजनेस को चुना। तो जो आपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करा, वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करते हुए आपने किस चीज की अपॉर्चुनिटी को खोया, जॉब की अपॉर्चुनिटी को खोया, यानी 6 लाख रुपीज को खोया, तब जाके आपको 8 लाख रुपीज की अपॉर्चुनिटी मिली। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा एक नोशनल कॉन्सेप्ट होता है, ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये नोशनल होता है। तो आपने जो बिजनेस करने का ऑप्शन सिलेक्ट करा वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने सिलेक्ट करा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने के बदले आपकी कॉस्ट क्या पड़ी, आपकी कॉस्ट पड़ी अदर अपॉर्चुनिटी का लॉस, जो कि 6 लाख रुपीज था। तो बिजनेस के ऑप्शन को आपने भले ही सिलेक्ट कर दिया हो, लेकिन आपने अपने 6 लाख रुपीज का लॉस करवा दिया। तो आपको मिनिमम उस बिजनेस से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अचीव करनी होगी, यानी 6 लाख तो अचीव करने ही होंगे, क्योंकि अगर आपने वो बिजनेस को सिलेक्ट करा है तो आपको 6 लाख से ऊपर ही कमाना होगा, वरना आप जॉब ही कर लेते, इतना झंझट क्यों लेते आप बिजनेस करने में। बिजनेस करना आसान थोड़ा होता है, बिजनेस करने में कई सारे रिस्क होते हैं, काफी मेहनत लगती है, काफी कुछ देखना पड़ता है। तो आप कम से कम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अपने 6 लाख रुपीज से तो ज्यादा ही कमाओगे, क्योंकि अगर 6 लाख ही कमाने थे तो आप सीधे से जॉब कर लेते। तो आपको यही लगा कि बिजनेस करना मेरे लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है रेदर देन जॉब करना, क्योंकि मुझे बिजनेस से इनकम ज्यादा मिल रही है और आने वाले टाइम में जो है बिजनेस में ग्रोथ होने की भी उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपने बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर आपने बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी को अवेल करा, लेकिन आपको इस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने की कॉस्ट क्या पड़ी, अदर अपॉर्चुनिटी का लॉस, यानी 6 लाख रुपीज। तो कुछ पाने के लिए जो हम खोते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ये हम अपनी पिछली क्लास के अंदर भी देख के आ चुके हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो लगती है हमारे रिसोर्सेज को शिफ्ट करने में फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। हमें बहुत अच्छे से इसका मतलब पता है, पिछली क्लास में हम इसको देख के आ चुके हैं, अच्छे से समझ के आ चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उससे होने वाले फायदे को जो हम खो रहे हैं, यानी उससे होने वाले फायदे की जो वैल्यू है जिसको हम फॉरगॉन कर रहे हैं यानी सैक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम जॉब करें या तो अपना बिजनेस करें, तो हमने बिजनेस को सिलेक्ट करा क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बिजनेस को छोड़ के आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है आपकी जॉब। तो जॉब से आपको कितना मिला था, 6 लाख रुपीज। तो आपने 6 लाख का सैक्रीफाइस करा, 6 लाख की वैल्यू का सैक्रीफाइस करा, तब आपने बिजनेस को सिलेक्ट करा।
बिजनेस को सेलेक्ट करने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पड़ी, आपके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू का सैक्रिफाइस जो कि आपका 6 लाख रुपीज यानी आपकी जॉब। तो वही बात ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपने जो सिलेक्ट करा उसके बदले में आपने जो खोया, तो जो आपने खोया उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है जो इक्वली फिट है राइस की प्रोडक्शन करने के लिए भी, वीट की प्रोडक्शन करने के लिए भी और ग्राम्स की प्रोडक्शन करने के लिए भी, यानी इस लैंड के ऊपर तीनों की ही प्रोडक्शन अच्छे से हो सकती है, चाहे आप राइस की प्रोडक्शन करो, चाहे वीट की, चाहे ग्राम्स की। और 10,000 का राइस उगा सकते हैं इस लैंड के ऊपर, 9,000 का वीट उगा सकते हैं और 8,000 का ग्राम्स उगा सकते हैं। तो फार्मर के पास तीन अपॉर्चुनिटी है, उसके पास लैंड तो एक ही है यानी रिसोर्सेज तो उसके पास एक ही है, वो लिमिटेड रिसोर्स है, और उसके पास तीन ऑप्शन है राइस वीट और ग्राम, लेकिन प्रोडक्शन तो एक ही की करनी है, तो उसको तीनों में से बेस्ट अल्टरनेटिव अपना सेलेक्ट करना होगा, चाहे वो वीट उगाए, चाहे वो राइस उगाए, चाहे वो ग्राम्स उगाए, उसकी अपनी मर्जी है, उसमें से जो उसके लिए बेस्ट होगा वो सेलेक्ट कर लेगा। सपोज विद द सेम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही डिसाइड टू प्रोड्यूस राइस, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों की प्रोडक्शन में सेम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आएगी, चाहे आप राइस उगाओ, वीट उगाओ, चाहे आप ग्राम उगाओ, कल्टीवेशन करते वक्त आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी वो तीनों में ही बराबर होगी। तो जब आपकी कॉस्ट बराबर है तो फार्मर ने डिसाइड किया कि वो राइस की प्रोडक्शन करेगा, सीधी बात है उसके राइस की 10,000 की प्रोडक्शन हो रही है जबकि वीट की 9,000 की हो रही है और ग्राम्स की 8,000 की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो अपना फायदा ही देखेगा। तो राइस को सिलेक्ट करने के बदले उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ये बात आपको बतानी है। तो आप देखो ध्यान से, राइस की प्रोडक्शन को उसने सिलेक्ट करा तो उसके कितने के राइस की प्रोडक्शन होने वाली है, 10,000 रुपीज की, जबकि उसके पास दो ऑप्शन और थे कि वो चाहे तो वीट उगा ले, चाहे तो ग्राम्स उगा ले, जबकि हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास जितने भी ऑप्शन है आप सबसे पहले उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप देखो कि आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारे पास वीट, क्योंकि वीट से हमें कितना मिल रहा है, 9,000 रुपीज। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वीट, तो वीट की वैल्यू कितनी है, 9,000 रुपीज। तो हमने वीट का सैक्रिफाइस करा क्योंकि हमने राइस को सिलेक्ट करा, तो हमारा सैक्रिफाइस ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो राइस को सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वीट की प्रोडक्शन यानी 9,000 रुपीज, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसको हमने सैक्रिफाइस करा। तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ पाया तो बदले में कुछ खोया, और जो खोया वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, सिंपल सा लॉजिक है। दस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कम्युनिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर गुड विच हैज गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कम्युनिटी। अगर हमें किसी भी कम्युनिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है तो वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ अदर कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी की अमाउंट यानी अदर कम्युनिटी की वैल्यू जो हमने गिवन अप कर दी यानी जो हमने सैक्रिफाइस कर दी, उसी की अमाउंट यानी उसी की कॉस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कराते। तो हम बात करें टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक कॉन्सेप्ट और हमें देखना है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों ही टॉपिक को देखने से पहले हम ये एग्जांपल को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टेबल हम जो है अपनी पिछली वीडियो से कवर अप करते हुए आ रहे हैं, पिछली वीडियो में भी हमने टेबल बनाई थी, हमने यहाँ तक देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन, हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशन थे, हमारे पास प्रोडक्शन करने के ऑप्शन थे वीट और टैंक। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वाली, वो पहले जाके पिछली वीडियो को देखे, तब जाके आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, क्योंकि ये एग्जांपल हम अपनी पिछली वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं, इस वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे वीट और टैंक, और हमारे पास 6 प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटीज थी। तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन था, हमने 0 प्रोडक्शन करी है वीट की और हमने 15 टैंक बनाए, वीट हमारा लैक्स में है, टैंक हमारा थाउजेंड्स में है। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन, हम आगे बढ़ते गए, हम अपनी वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाते गए और टैंक्स की प्रोडक्शन को कम करते गए। वीट की प्रोडक्शन हमारी 1-1 से बढ़ रही थी जबकि टैंक की प्रोडक्शन हमारी 1 से ज्यादा से घट रही थी। तो 0 से 1 वीट पे आने के लिए हमने 1 टैंक का सैक्रिफाइस करा था, जबकि 1 से 2 वीट पे आने के लिए हमने 2 टैंक का सैक्रिफाइस करा था। फिर 2 से 3 वीट पे आने के लिए हमने 3 टैंक का सैक्रिफाइस करा, 3 से 4 वीट पे आने के लिए हमने 4 टैंक का सैक्रिफाइस करा, 4 से 5 पे आने के लिए हमने 5 टैंक का सैक्रिफाइस करा। हमारा टैंक का सैक्रिफाइस लेवल बढ़ता ही जा रहा है वीट की एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो मैंने आपको कहा था कुछ पाने के लिए आपको खोना पड़ता है, और जो आप खोगे वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कराएगी। तो वीट की प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते जा रहे हो, वीट आपको मिलता जा रहा है, जबकि टैंक की प्रोडक्शन आप कम करते जा रहे हो। तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है वीट, जबकि आप खो क्या रहे हो, आप खो रहे हो आप टैंक। तो जो आप खो रहे हो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कराएगी। तो जितने से आप टैंक को घटाते जा रहे हो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कराती है। अब ये एमओसी क्या होता है, एमओसी होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आप समझ चुके हो। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब एक यूनिट को इंक्रीज करने पर हमारी कितनी कॉस्ट पड़ती है या कितना हमें रेवेन्यू मिलता है। तो मार्जिनल जिसके साथ लग जाए, अभी हम देख रहे हैं मार्जिनल हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ लग रहा है। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है वही हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। यही अगर मार्जिनल रेवेन्यू के साथ लग जाए तो बन जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल का सिंपली मतलब यही होता है कि एक की प्रोडक्शन इंक्रीज करने से आपकी एडिशनल कितनी कॉस्ट लग रही है या आपको एडिशनल कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कॉस्ट है, तो मार्जिनल लगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ, तो बन गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो लॉस हम टैंक में कर रहे हैं वही हमारी वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो पहले हम 0 वीट बनाते थे, 15 टैंक बनाते थे, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर नील थी। उसके बाद हम 0 से 1 पे आए, हमने वीट की प्रोडक्शन को 1 से इंक्रीज करा, तो हमने टैंक को कम करा, 15 से 14 पे आए। एक वीट को इंक्रीज करने के लिए हमने 8 टैंक का लॉस करा, तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, एक वीट को इंक्रीज करने की 1,
क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा, एक एडिशनल इंक्रीज करने से हमारी कितनी कॉस्ट पड़ी, तो एक बीट इंक्रीज करने से हमारी कॉस्ट पड़ी 1। उसके बाद हमने एक और बीट को इंक्रीज करा, 1 से 2 पे आए, लेकिन हमारा टैंक का लॉस कितना हुआ, 14 से 12, यानी 2 का लॉस हुआ। तो हमारी 1 से 2 पे आने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ी, 2। कैसे निकाली हमने, 14 माइनस 12। उसके बाद आगे चले, एक और बीट इंक्रीज करा, तो हमने अपने टैंक की प्रोडक्शन को कितने से कम करा, 12 से 9 पे आ गया, 3 से कम करा इस बार, तो 3 हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही। उसके बाद हम 3 से 4 पे आए, 1 से हमने और इंक्रीज करा, तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस बार पड़ी 4। उसके बाद हम गए 4 से 5 पे, हमने एक और बीट को इंक्रीज करा, तो हमारी टैंक की प्रोडक्शन 5 से 0 पे आ गई, यानी इस बार हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 हुई। अभी एमआरटी क्या होता है, एमआरटी होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा एक रेशियो है, हमने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली उसी से हम एक रेशियो तैयार करेंगे, और वो रेशियो क्या कहता है, 1 गुड सैक्रीफाइस। यहाँ पर हमने सैक्रीफाइस क्या करा, यहाँ पर हमारा सैक्रीफाइस है हमारा टैंक, तो 1 गुड हमारे टैंक है, 1 गुड सैक्रीफाइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। आप अदर गुड का एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितने गुड का सैक्रीफाइस करते हो, वही आपका एमआरटी कहलाता है, वही आपका एमआरटी का रेशियो कहलाता है। हमने यहाँ पर एक एडिशनल यूनिट किस चीज का बनाया, वीट का, और सैक्रीफाइस किस चीज को करा, टैंक को, तो हमारा एमआरटी का रेशियो का बनता है, हमारे एमआरटी का रेशियो बनता है यूनिट जो आपने सैक्रीफाइस करा वो अपॉन जितने यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनाए अदर गुड्स के। तो जो आपने सैक्रीफाइस करा उसको आप ऊपर लिख लोगे, और उसके बदले में आपने जितने यूनिट्स दूसरे गुड्स के एक्स्ट्रा बनाए वो आप नीचे लिख लोगे। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डेल्टा टैंक्स अपॉन डेल्टा वीट। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, टैंक्स में कितना चेंज आया और वीट में कितना चेंज आया, तो ये हमारा एक रेशियो बनता है डेल्टा टैंक्स अपॉन डेल्टा वीट का। आप यहाँ से देखो, इससे हमारा एमआरटी निकल जाता है। एमआरटी कैसे निकाला हमने, डेल्टा टैंक्स अपॉन डेल्टा वीट, तो टैंक्स हमारा 15 से 14 हुआ था, यानी 1 से कम हुआ था, और वीट हमारा 1 से बड़ा था, तो चेंज कितना आया था, टैंक्स में चेंज आया था 1 का और वीट में चेंज आया था 1 का। तो यहाँ पर हमारा एमआरटी हो गया 1/1 = 1, तो एमआरटी आ गया 1। अब इसका मतलब समझो आप, ये निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है इसका मतलब समझना, ये एमआरटी क्या कह रहा है। एमआरटी कह रहा है आपकी वीट की प्रोडक्शन 1 से इंक्रीज हुई और आपकी टैंक की प्रोडक्शन भी 1 से कम हुई, तो 1 वीट की प्रोडक्शन = 1 टैंक की प्रोडक्शन है। जबकि नीचे देखें तो अगले में हमने एक और वीट इंक्रीज करा, तो हमारे टैंक में कितना चेंज आया, 14 से 12, 2 का चेंज आया, टैंक में चेंज आया 2 का, वीट में चेंज आया 1 का, तो 2/1 आ गया = 2। तो इसका मतलब एक वीट इंक्रीज करने की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी 2, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 वीट = 2 टैंक्स, एक वीट बनाने की हमारी कॉस्ट पड़ी 2 टैंक्स। उसके बाद हम आगे गए, हमने एक और वीट इंक्रीज करा, लेकिन हमारा टैंक 3 से घटा, तो इस बार हमारे टैंक में चेंज है 3 का, वीट में चेंज है 1 का, तो 3/1 = 3। इसका मतलब एक वीट इंक्रीज करने की कॉस्ट कितनी पड़ी, 3 टैंक, 1 वीट = 3 टैंक्स। फिर हम इस बार टैंक्स में चेंज है 4 का, वीट में चेंज है 1 का, तो 4/1 = 4, तो 1 वीट = 4 टैंक्स। उसके बाद हम और आगे गए, एक वीट और इंक्रीज करा, 5 टैंक कम हुए, तो टैंक्स में 5 का चेंज आया, वीट में 1 का चेंज आया, तो 5/1 = 5, 1 वीट = 5 टैंक्स। तो आपको क्लियर होगा एमआरटी इस तरीके से हम निकालते हैं। तब अगर बात करें हम कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड टू अनदर। तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है टोटल लॉस ऑफ आउटपुट जब गिवन रिसोर्सेज एक गुड से दूसरे गुड में शिफ्ट होते हैं। तो हमारे इस एग्जांपल में टैंक से रिसोर्सेज वीट में शिफ्ट हुए, तो उस टाइम पे जो टैंक्स का लॉस हुआ वही हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस हुआ हमारा, आप इसको यहाँ पर काउंट कर लोगे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, तो 15 का आपको टोटल लॉस हुआ, यानी आपका टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी 15। आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड कर लोगे, वही आपकी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। जबकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है कि आपने एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितने गुड्स का सैक्रिफाइस करा। तो यहाँ पर बात सिर्फ एक एडिशनल यूनिट बनाने की आ जाती है, टोटल की बात तो ऊपर आ गई टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। तो यहाँ पर हमने अपने एक एक यूनिट का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला था। मार्जिनल को क्या कहते हैं, एडिशनल, या फिर आप कहो एक्स्ट्रा। तो अब बात करें रीजन ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आखिर मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है, यानी एमआरटी इंक्रीज होने का रीजन क्या है। पीपीसी वाली क्लास में हमने इसका लॉजिक समझा था कि आखिर मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों करता है। पीपीसी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो पीपीसी जो है वो हमारा बेस्ड होता है डिमिनिशिंग रिटर्न के लॉ पे। एक लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उस पर बेस्ड होता है हमारा पीपीसी का कॉन्सेप्ट। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता क्या है, इफ अ कमोडिटी इज टू प्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी एन एडिशनल यूनिट विल रिक्वायर मोर और मोर ऑफ फैक्टर यूनिट्स बिकॉज फैक्टर यूनिट्स प्रोड्यूसिंग इट बिकम मार्जिनली लेस और लेस प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर सिंपल सी वही बात कही है, वही हमारा लॉजिक का है जो लॉजिक हम पिछली क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि अगर हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करें, यानी हम ज्यादा क्वांटिटी में किसी एक कमोडिटी की प्रोडक्शन करें। यहाँ पर हमने ज्यादा क्वांटिटी में वीट की प्रोडक्शन करी थी, वीट की प्रोडक्शन की क्वांटिटी को हमने इंक्रीज करना शुरू करा था, तो जो एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन होगी उसके लिए हमें एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। रिसोर्सेज को हम इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर्स भी बोलते हैं, तो आप फैक्टर्स का हो चाहे रिसोर्सेज का बात एक ही होती है। तो जो एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमें एडिशनल रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी। हमें एडिशनल रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में से रिसोर्सेज को निकालना पड़ेगा और जिस गुड की हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है उसमें लगाना पड़ेगा। हमारे एग्जांपल के अंदर हम पहले टैंक की प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर हमने वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टैंक के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को कम करा और वीट के प्रोडक्शन में लगाया, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज थे
वो टैंक के प्रोडक्शन कर रहे थे, वो टैंक के प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा सूटेबल थे। तो हमारे जो रिसोर्सेस जैसे ही टैंक से व्हीट में शिफ्ट हुए, उनकी प्रोडक्टिविटी घट गई, यानी उनकी आउटपुट प्रोड्यूस करने की क्षमता घट गई, क्योंकि वो टैंक बनाने के लिए सूटेबल थे ना कि व्हीट बनाने के लिए। आप उसको व्हीट में इस्तेमाल करोगे तो व्हीट में इस्तेमाल तो हो जाएंगे, लेकिन वो लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हम एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन करेंगे उसकी कॉस्ट हमारी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी, यानी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जितना हम एडिशनल यूनिट इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी हमारी एडिशनल यूनिट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी। राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर व्हेन फैक्टर, यानी फैक्टर हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज व्हिच आर स्पेशलाइज्ड और मोर अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड आर ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड फॉर विच दे आर लेस प्रोडक्टिव यूजेस। तो वही बात ये कह रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज होती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो राइज क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी मोर अडॉप्टेड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन करने के लिए। यहाँ पर हम टैंक्स की प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर हमने जब अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफर करा किसी दूसरे गुड की प्रोडक्शन करने के लिए, यानी व्हीट की प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहां पर हमारे गुड्स जो है वो लेस प्रोडक्टिव साबित हुए, इसलिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती गई। इनडायरेक्टली हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, फॉल इन देयर प्रोडक्टिविटी विद द रिजल्ट दैट मोर ऑफ सच रिसोर्सेज आर नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। तो इनडायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी हमारी रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी, उतना ही हमें एडिशनल यूनिट बनाने के लिए ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती जाएगी। हम देख चुके हैं, दस मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग मेकिंग द पीपीसी कंकेव इन द शेप। तो हमारा पीपीसी कंकेव शेप में क्यों होता है, क्योंकि हमारी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था इसको, हमने दो क्वेश्चन देखे थे, वाई पीपीसी इज कंकेव टू द ओरिजिन, और दूसरा हमारा क्वेश्चन था वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दोनों के लॉजिक हमने अपनी पिछली क्लास में देखे थे, इस क्लास में हमने उसका न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा, पीपीसी कन्केव होता है वो हमें अच्छे से पता है, अब पीपीसी कन्वेक्स कब होता है, पीपीसी कन्वेक्स भी हो सकता है, पीपीसी विल बी कन्वेक्स इफ सैक्रिफाइस ऑफ यूनिट ऑफ अदर गुड गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होने लग जाए, तब आपके पीपीसी की शेप कन्वेक्स हो जाएगी। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, हम देखते आ रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होती है, वो डिक्रीज कैसे हो जाएगी, डिक्रीज तब होगी जब एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। अभी तो जितना आप एडिशन बनाते जा रहे हो, आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती जा रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन जितनी ज्यादा करते जा रहे हो, उतने आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, तो उसके इसमें आपकी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी और आपका पीपीसी कन्वेक्स शेप का बन जाएगा। तो ट्रू फॉल्स में आपके इसके लिए कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी आपका कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपका पीपीसी कन्वेक्स कब होता है। तो पीपीसी कन्वेक्स होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, आप ये देख सकते हो, पीपीसी कन्वेक्स होता है तो इस तरीके का दिखता है। आप पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पीपीसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो सकता है जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, जब वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, यानी वन हो जाएगी। जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन हो जाएगी, चाहे आप जितने मर्जी एडिशनल यूनिट बनाते जा रहे हो, आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन ही है, तो उस केस में आपका पीपीसी की लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब वो कब होगी, वो तब होगी जब आप जितने से एडिशनल यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, उतने से ही आप अपने अदर गुड का सैक्रिफाइस कर रहे हो, यानी आपका सैक्रिफाइस और आपका एडिशनल यूनिट इंक्रीज करना दोनों ही इक्वल है। जितने से आप एडिशनल यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, उतने से ही आप अपना सैक्रिफाइस कर रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम जीरो व्हीट बनाते थे और टैंक टैंक्स बनाते थे, उसके बाद हमने अपनी व्हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा दो से, तो हमारे टैंक की प्रोडक्शन कितने से घटी, दो से। फिर हमने अपनी व्हीट की प्रोडक्शन को दो से लेके गए पांच पे, तो हमारे टैंक की प्रोडक्शन भी घटी कितने, आठ से लेके पांच पे, तीन से हमारे टैंक की प्रोडक्शन घटी और हमने तीन से ही व्हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा, बराबर चल रहा है, जितने से बढ़ रहा है उतने से ही घट रहा है। फिर हम अपनी व्हीट की प्रोडक्शन को लेके गए पांच से आठ पे, यानी तीन से हमने व्हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा, तो हमारे टैंक की प्रोडक्शन भी पांच से आ गई दो पे, यानी तीन से ही हमारे टैंक की प्रोडक्शन भी घटी। इक्वली हमारी व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है और इक्वली हमारे टैंक की प्रोडक्शन घट रही है, यानी जितने का हम एडिशनल गेन कर रहे हैं उतने का ही हमारा सैक्रिफाइस भी हो रहा है। तो इस केस में हमारा पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इस पे आपका ट्रू फॉल्स बन सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपका पीपीसी की कंकेव शेप पे ही बनेगा। अब बात करें हमारा शिफ्ट ऑफ पीपीसी, पीपीसी लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। पिछली क्लास में हम अच्छे से देख के आ चुके हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होता है, राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है, मैंने आपको अच्छे से लॉजिक के साथ सारी बातें बताई थी, हमने अच्छे से देखा था, समझा था, लेकिन उसकी थ्योरी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में आए तो आप किस तरीके से लिखोगे। तो ये हमारा पीपीसी है, बीच वाली लाइन जो ये है, ये हमारा पीपीसी है। तो ऊपर जो हमने टेबल बनाया था टैंक और वीट वाला, उसी से हमने ये पीपीसी तैयार करा है, तो ये बीच वाला पीपीसी हमारा। इससे नीचे अगर पीपीसी जाएगा, पीछे जाएगा, तो वो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कहलाएगा, और इससे अगर आगे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट कहलाएगा। तो पीपीसी जब राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो हमारी ग्रोथ होती है रिसोर्सेज की, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो उसे हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जब हम पीपीसी की बार होते हैं तो उसको हम कहते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तीनों बातें हमें अच्छे से पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है, जब हमारे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जो कि पीपीसी के केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीपीसी की अजम्पशन ही होती है कि आपके रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, तो रिसोर्सेज बढ़ गए तो आपकी अजम्पशन फॉलो नहीं होगी।
लेकिन अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंप्लाइज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। पीपीसी के राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और कैपेसिटी आपकी इंक्रीज कब होगी? जब आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। क्योंकि हम पीपीसी पर जो हमारी बीच वाली लाइन है, जो हमारा बीच वाला पीपीसी है, इस पर हम अपनी पूरी फुल कैपेसिटी से काम कर रहे थे, फुल यूटिलाइजेशन था हमारे रिसोर्सेज का। तो कोई भी एडिशनल आउटपुट बनाने का स्कोप यहाँ पर खत्म हो चुका था। इससे ज्यादा आउटपुट इंक्रीज हो नहीं सकता था इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। तो जब आपका रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा तभी आपका एडिशनल आउटपुट बनेगा, तभी आपकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है, वरना आप इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर तो यहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो पीपीसी के अंदर दो गुड्स बनाते हैं, जब आपकी रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे इसका मतलब इकोनॉमी जो है आप दोनों गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड व्हेन रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस। तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब करता है? जब आपके इकोनॉमी के अंदर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाते हैं। और वो इंक्रीज करने के क्या कारण हो सकते हैं, किस कारणों की वजह से आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू इक्विपमेंट, आपके पास नए इक्विपमेंट आ गए, इंक्रीज इन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, आपकी इकोनॉमी के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बढ़ गए। किस कारण से बढ़ सकते हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई। सपोज किसी शहर के अंदर जो है एक लिमिटेड पॉपुलेशन था, तो उस शहर में लेबर लिमिटेड थे, लेकिन अचानक ही जो है उस शहर की पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, उस सिटी की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी आपके लेबर भी इंक्रीज कर जाएंगे, तो आपके रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है तो आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बढ़ जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, नए नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो गई, हमें कुछ नए नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए। न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल, कोई नई और बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, तो उस वजह से हमारी रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो इस वजह से हमारा पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है। तो अब पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? पीपीसी लेफ्टवर्ड जाता है जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉल करती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी यानी हमारे रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होगा, इनएफिशिएंट यूज होगा हमारे रिसोर्सेज का, तो हम कहेंगे कि हमारे पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। रीजन क्या हो सकता है? इनएफिशिएंट यूज होने के, यानी हमारे रिसोर्सेज के फॉल होने के। वियर एंड टियर और हमारी मशीनरी जिससे हम प्रोडक्शन करते थे वो खराब हो गई या फिर जो है उसमें टूट फूट हो गई। अब खराब हो जाए या फिर जो है टूट जाए तो क्या होगा? उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर मशीन खराब हो गई फिर भी हम उसे चलाए जा रहे हैं तो अब वो उतनी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं देगी, उतने ज्यादा आउटपुट बना के नहीं देगी। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड पार्ट्स, तो मशीन अगर खराब हो गई उसके जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, मार्केट में मिल नहीं रहे, या फिर जो हमें नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो हमें मिल नहीं रहे, तो उसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज की कैपेसिटी घट सकती है। तीसरा, टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोलेट, तो जो टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी हो गई, वो ऑब्सोलेट हो गई। मार्केट में कई अलग अलग नई बेटर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन अभी भी हम पुरानी वाली टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑटोमेटिकली फॉल करेगी, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी हमें कम आउटपुट तैयार करके देगी। तो इन रीजंस की वजह से जो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है। तो आपको क्लियर हो गया लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट करने के रीजन क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने इस चैप्टर के अपने सारे टॉपिक कर लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा हमारा डिमांड और सप्लाई का, वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और कमेंट सेक्शन में वीडियो का फीडबैक जरूर देना ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए चैप्टर के साथ।